नमस्कार, गुरुमंत्र शो में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खुश हूं दाता, सदा सुखी। कल हमने पारिवारिक रिश्तों की बात की थी, आज हम ज्वाइंट फैमिली में बनते बिगड़ते रिश्तों की बात करने वाले हैं। ज्यादातर ज्वाइंट फैमिली में छोटे मोटे मनमुटाव होते ही हैं। घर में या तो सास बहू की नहीं बनती है, या फिर देवरानी और जेठानी की लड़ाई होती है, या फिर ननद और भाभी के रिश्तों में अक्सर ही खटास देखने को मिलती है। आज हम इन्हीं रिश्तों को सुधारने की बात करेंगे। राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल तो होगा ही, और साथ में कौन कौन से विषय होंगे अब ये भी जान लेते हैं। ग्रहों की चाल और रिश्तों का क्या कनेक्शन होता है? ज्वाइंट फैमिली को जोड़े रखने वाले सबसे खास उपाय। सास बहू और देवरानी जेठानी के बीच कैसे बना रहेगा प्यार? राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल होगा। तो शो की शुरुआत हम करें, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को मैं याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरुमंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधे अपने सवाल आप कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है, उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव, पहला कॉलर हम ले, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का दिन आज उत्तम रहेगा। कामकाज में जोश और चुस्ती फुर्ती देखने को मिलेगी। परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। मित्र तथा भाई बंधुओं के साथ घूमने का प्लान भी बन सकता है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन ज्यादा उत्तम नहीं है। शरीर में आलस्य की प्रधानता रहेगी। किसी से बेवजह का विवाद परेशानी का कारण बन सकता है, और ग्रह सुख में भी कमी के हालात देखने को मिलेंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों का मिला जुला सा दिन है। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। यात्राएं भी हो सकती हैं, परंतु परिवार में किसी को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आने की संभावना है। गुरुदेव, आज हम बात करेंगे संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली की हम बात कर रहे हैं। इसमें छोटी छोटी बातों पर अक्सर झगड़े हो जाया करते हैं। इन झगड़ों के लक्षण हम कैसे पहचाने और उपाय क्या किए जाए? बेटा, जब से ये दुनिया बनी है, सिर्फ एक यही झगड़े ऐसे हैं जिनके लक्षण कभी नहीं कोई पहचान पाया, और ये कभी भी कहीं भी होते हैं। शायद इसी वजह से हमारे यहां संस्कारों के रूप में कुछ उपाय बनाए गए थे, जो कि गृहस्थी वाले इंसान उनको अपनाते थे, उसको धारण करते थे और संस्कारों में रह करके चलना सिखाते थे, और जिसके कारण ये हमेशा कलेश दूर ही रहते थे। और अब क्योंकि जमाना बदल रहा है, जो हमारे संस्कार बनाए गए उनको अपनाना नई पीढ़ी के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि बात आ चुकी है मन मर्जी की कि हमें कैसा देखना है, ये हमारी मर्जी है। इस वजह से भी तकलीफें बहुत पड़ रही हैं। अब पहले जब भी कोई ब्याहता लड़की आया करती थी, तो जरूरी होता था कि उसके पांव में पाजेब हो। आजकल पाजेब अगर कोई पहनता भी है तो सोने की या चांदी की पहनता, लेकिन घुंघरू नहीं लगाता। ठीक है, पहले कोई ब्याहता आती थी तो मांग में सिंदूर बहुत जरूरी होता था, माथे पर बिंदी बहुत जरूरी होती थी, और लाल रंग का कपड़ा पहनना बेहद जरूरी होता था उसके लिए। लेकिन आज ये जरूरी नहीं, आजकल तो शादी के जोड़े में भी पर्पल कलर और ग्रीन कलर हो जाते। तो ये जो अपनी मनमर्जी का बढ़ना, मॉडर्न जमाने को अडॉप्ट करके बिना ये जाने इसका हमें नुकसान क्या होगा, ये बिना जाने सिर्फ उन चीजों में उतरते जाना जो मन को अच्छी लग रही है, ये अपने आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ के हालात पहले ही बना देती है। अगर इसके सिम्टम्स देखने आपको, तो सिम्टम्स यहीं से शुरू होते हैं जब आप अपने संस्कारों को त्याग के
और मनमर्जी की चीजें अपनी शादी के वक्त में ही करते हैं, उस वक्त में ये चीज की शुरुआत होती है कि परिवार बिगड़ेगा। जैसे दुल्हन के लिए लाल जोड़ा बहुत जरूरी है और शादी के वक्त में खास तौर पे जो आदमी भी है उसके लिए भी जो सात्विक रंग है जैसे लाल है, पिंक है और ऑरेंज कलर है, पीला रंग है, गोल्डन कलर है या चमकता हुआ सिल्वर कलर है, इन सब में से किसी भी चीज का पहनावा अगर शादी के वक्त में जोड़े ने पहना हुआ है, यानी कि आदमी ने ये और औरत ने लाल रंग, तो शादीशुदा जिंदगी आगे अच्छी रहने के पूरे पूरे आसार है। लेकिन आजकल थ्री पीस सूट पहन के लड़का बैठता है और जिसके अंदर काला या नीला रंग तो आम होता है और काला और नीला रंग को वैसे ही चंडाल रूपी माना जाता है, और अगर शादी के वेदी के ऊपर ही चंडाल रंग आ गया तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। चंडाल यानी कि जिसमें भैरव जी का वास हो, जिसके अंदर शनि देव की पूरे का पूरा चलाकी हो, तेजी हो या खराबी हो, समझे, उस रंग को कभी भी शादी के ऊपर नहीं पहनना चाहिए। कारण ये कि जब शादी होती है, अग्नि के फेरे होते हैं या ग्रहण साहब के जब फेरे होते हैं, तो उस वक्त में सात्विक रंग, खुशी का रंग, इनका होना बहुत जरूरी है। परमात्मा का घर भी है, संस्कार भी है और वहां पर मंगल का विराजमान होना बेहद जरूरी है। अगर वहां पर अग्नि प्रज्वलित है तो मंगल है, और अगर मान लो ग्रंथ साहब के भी फेरे ले रहे हो आप, तो तब भी आप देखो कि वहां पर बृहस्पति है, हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं, तो बृहस्पति और मंगल कुछ भी हो चलेगा। लेकिन साथ में दुल्हन के ऊपर लाल रंग का जोड़ा होना, सोने के गहने होना बहुत जरूरी है। सोने के गहने नहीं है तो कम से कम चांदी की पाजेब पायल के अंदर होना बहुत जरूरी है। उसका साइंटिफिक लॉजिक समझाता हूं आपको। जब भी कोई लाल रंग पहनता है और शादी के वक्त में ही पहनता है, लाल रंग यानी कि मंगल, मंगल यानी कि हनुमान जी, और हनुमान जी यानी कि सात्विक सोच, धैर्य, कर्म करने की शक्ति, अपनों के साथ जुड़कर के चलने की शक्ति और जितने अपने उनको प्यार करने की ताकत। अगर शादी के वक्त में दुल्हन ने यही धारण नहीं किया होगा तो कैसे वो परिवार की हो जाएगी? उस वक्त में अगर तरह तरह के शक, वहम, आने वाले भविष्य को लेकर के सोचे और शादी के अंदर ही एक आध गलती किसी के साथ होना और उसी के अंदर कमियां निकाल के अपने मन के अंदर अगर बैठा ली, तो बेटा वो तो उसी दिन से खराबी की नींव पड़नी तय है ना। लेकिन लाल रंग अगर दुल्हन ने पहना हुआ हो तो ऐसा हालात कभी नहीं आते, या ये कह सकते कि ज्यादातर नहीं आते। तो इसीलिए संस्कारों को अपनाना बहुत जरूरी है। और उस वक्त में अगर हरा रंग, पर्पल कलर या इनसे मिले जुले जो रंग होते हैं, इनको पहन लिया गया जिनमें की पापी ग्रहों के ताकत की प्रधानता होती है, अगर उन रंगों को पहन के फेरे हो गए तो आने वाले समय के अंदर मुसीबतों का ज्यादा बढ़ना लगभग तय होता है, क्योंकि जैसी शुरुआत होगी उसका अंत भी वैसा ही होगा। तो इसीलिए यहां से सिम्टम्स को पहचाने, जो हमारी संस्कृति में है, जिन चीजों को लेकर के वाकई में संस्कार ये बनाकर के सात्विक रहने के लिए हमें बताया गया, अगर उनको अपना के जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं तो जीवन आगे काफी उत्तम जाने वाला है। गुरुदेव, आज हम बात कर रहे हैं ज्वाइंट फैमिली की, यानी कि संयुक्त परिवार में क्या कुछ पारिवारिक कलह हो सकते हैं। हमने सुना है सास बहू का झगड़ा जो है वो सालों से बहुत ज्यादा फेमस रहा है, लेकिन संयुक्त परिवार को अगर बनाए रख सकती हैं तो वो भी सास बहू ही हैं। कौन से वो योग होते हैं हमारे दर्शकों को बताइए जिससे सास बहू के बीच में झगड़ा होता है और इससे बचे कैसे? बेटा आज मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल वे में मैं समझाता हूँ कि ये सास और बहू है क्या। सास यानी कि पति की मां, यानी कि चंद्रमा। बहू यानी कि पति की पत्नी, यानी कि पति का शुक्र। और चंद्र और शुक्र ये जब भी आपस में मिलते हैं तो नीच केतु बनता है। नीच केतु अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो इसको यही कहा जाता तू तू मैं,
यानी कि एक दूसरे के साथ कुछ न कुछ होते ही रहना, टेंशन देने लेने वाले हालात खड़े ही रहना और एक दूसरे के लिए नेगेटिविटी सामने आना। कितना भी प्यार दिखा लो उसके बावजूद नेगेटिविटी बीच में आती ही आती है। अब इस चीज को हमारे जो पहले पुराने बुजुर्ग रहे उन्होंने समझा, एस्ट्रोलॉजिकल वे में ही समझा और उन्होंने ही संस्कारों के रूप में एक चीज डेवलप करी। वो क्या डेवलप करी? जब भी चंद्र और शुक्र इकट्ठे हो तो चांदी की गोलियों और चांदी ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती है नेगेटिविटी को दूर रखने के लिए। तो उन्होंने संस्कार ये बनाए कि चाहे सास हो और चाहे बहू हो, पांव में पाजेब जरूर होनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर घुंघरू भी होता है और उसके अंदर हल्की सी गोली भी होती है जो चांदी की ही होती है। वो जब घूमती थी बजती थी, चंद्रमा की बुध के साथ में एनर्जी यानी कि एक साथ बना रहता था और बुध और चंद्रमा का ये साथ जो होता था ये बुध इधर चंद्रमा इधर शुक्र को समझाने बुझाने का एक तरह का काम करता था जिसके चलते हुए सास बहू के अंदर नहीं बिगड़ती थी। इसीलिए जिस घर के अंदर सास और बहू के पांव के अंदर पाजेब होती है वहां कलेश नहीं होता। छोटी मोटी तकरार हो सकती है जो मां बेटी में भी होती है लेकिन कलेश नहीं हो सकता। तो इस चीज को अपनाओ। दूसरा, आप देखते थे कि पांव के अंदर बिछुए पहने जाते थे, उंगलियों में बिछुए पहने जाते थे। उसका भी रीजन यही था कि वहां पर केतु को ठंडा रखा जाए। अब जिन जिन घरों के अंदर सास बहू के पांव के अंदर बिछुए नहीं होते उन सास बहू को आप देखो उनका पेट खराब रहते हैं, उनके कमर पांव में दर्द रहता है, एक्सट्रीम तक टेंशनें बढ़ती हैं और लड़ाई जब हो जाती है लड़ाई को बढ़ाने के लिए ही विचार और मन से निकलते हैं, मुंह से जुबान से बात निकलती है, ठंडा करने के लिए माफ करने के लिए वहां चीज की भी जगह नहीं बचती। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि सास और बहू की लड़ाई ना हो, परिवार का माहौल अच्छा रहे, तो सास बहू दोनों के पांव के अंदर बिछुए होने बहुत जरूरी है। ये काम करना ही पड़ेगा। फिर तीसरी बात, ये जो हमारे पास जो दिमाग है इसके तीन हिस्से होते हैं बेटा, डॉक्टर बोलते हैं ये बात है। एक लेफ्ट का, एक राइट का, एक फ्रंट का। लेफ्ट का दिमाग हमारा चलता है कुछ हद तक, राइट वाला बिल्कुल नहीं चलता। जिसका थोड़ा सा भी चल जाए तो वो इंसान की बुद्धि बड़ी सुपर होती है, ये हमारी साइंस ही बोलती है। और एक दिमाग होता आगे का, ये भी सोया रहता है लेकिन जानवरों में ये दिमाग आगे वाला ही जागता है। और ये जब किसी इंसान का जाग जाए तो वो किसी जानवर से कम नहीं रहता, यानी कि उसके अंदर एग्रेशन बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है और हर चीज को नेगेटिविटी को लेकर के देखता है, कहीं तो साइको हो जाते हैं। तो इस वजह से पहले मर्द अपना सर ढक के रखा करते थे ताकि डायरेक्ट शनि की एनर्जी ना आए। औरतों के लिए तो खासतौर पर इस चीज कही गई कि शादी के बाद उनको लाल रंग का सिंदूर यानी कि मांग भर के रखनी है, लेकिन सिंदूर लगा के रखना लाल रंग का। और जब लाल रंग का ये सिंदूर यहां लगा रहता है तो ये आगे वाला दिमाग पूरा एक्टिव नहीं हो पाता और जब ये एक्टिव नहीं हो पाता तो सात्विकता, धैर्य, कर्म की शक्ति, माफ करने की प्रवृत्ति ये उस औरत में रहती ही रहती है। तो बेटा ये तो 100% सब कुछ साइंटिफिक है। हम संस्कार बोलते हैं लेकिन है तो ये साइंस। तो इस साइंस को अपनाओ, बहुओं की मांग में लाल रंग का सिंदूर पहनाओ, सास बहू दोनों पाजेब पहने, दोनों बिछुए पहने। बेटा ये चंद्र शुक्र का मेल सदा ही खुशहाल रहेगा, खराब केतु की जगह नहीं आएगी और घर स्वर्ग जैसा। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी जारी है लेकिन अभी जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ खास नहीं है। घर में तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल सकती है, परिवार के लोगों और परिचितों से किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकते हैं और किसी भी प्रकार का अगर आज निवेश करना हो तो अपने बड़ों से सलाह जरूर ले। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए दिन उत्तम है। आज कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, कार्यक्षेत्र में भी सफलता के संकेत मिल रहे हैं और मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, मांगलिक कार्य में भी शामिल हो सकते हैं। कन्या राशि वालों का भी आज दिन उत्तम है। आज परिवार के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा और शरीर में भी फुर्तीलापन देखने को मिलेगा, मित्रों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा और कामकाज के हालात सामान्य बने रहेंगे।
गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। गुरु जी नमस्कार, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11/1987। जन्म का वक्त बताइए। हाँ जी, सुबह 8 बजे का। जन्म का स्थान क्या है आपका? हाँ जी, दिल्ली का। ठीक है, सवाल क्या है आपका? हाँ जी, मेरे को ये पूछना है, मैंने MBA किया है मार्केटिंग मैनेजमेंट में, बट मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, मेरी जॉब नहीं लग पा रही है, काफी टाइम हो गया। बेटा सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे घर में किसी को स्किन की प्रॉब्लम तो नहीं रही? नहीं जी। ठीक है, और तुम्हारे दादा का क्या हाल रहा बेटा? पता नहीं जी, एक्चुअली हम तो दिल्ली में रहते हैं, जब से मैं तो बहुत छोटा था तब से हम तो दिल्ली में ही आ गए थे, वो गांव में थे, अब उनका तो मुझे तो इतना ध्यान नहीं है, लेकिन वो ठीक ठाक थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी को भी, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम पोते हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि दादा कहाँ है, इसमें तुम्हें बुरा नहीं मानना बेटा, मैं तो सिर्फ कुंडली की बात करने लगा हूँ। तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और राहु के मिल जाने से बुध बहुत खराब हो गया, और ये बुध खराब होकर के लाभ स्थान में बैठ गया, और लाभ स्थान के अंदर बैठा हुआ बुध, इसकी खासियत क्या बनती है, कहता है कि जिस चीज में पैसा लगाएगा वो खराब होगा, जो लिखाई पढ़ाई करी होगी उससे लाभ नहीं आने देगा। लग्न में बैठे शनि और शुक्र, इन्हें बोलते हैं काग रेखा। काग रेखा का मतलब धन ज्यादा ना आना, समझे? ये चीज होगी बेटा। अब ये दोनों योगों का अगर मैं कॉम्बिनेशन देखूं तो बृहस्पति खराब, जिसके कारण तुम्हारी पढ़ाई तो होगी लेकिन उस पढ़ाई से जो लाभ होना चाहिए वो खराब, अगर तुम कोई बिजनेस करने चलते हो तो वो खराब, और ऊपर से शनि शुक्र का मेल कि अगर घर में जब भी कुछ मकान वगैरह बनेगा तब इसके काग रेखा यानी कि धन की कमी का पूरा समावेश करके अंदर लेके आना है। फिर चंद्र राहु की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेटा, इसमें बुध खराब होता है, और जब बुध खराब होता है तो इंसान को ये लगता है कि जो कंपनी का मालिक है वो ऐसा क्या खास कर रहा है जो मैं नहीं कर सकता, ये जो फलाना आदमी है ये जिंदगी में आगे इतना बढ़ गया, ऐसी क्या चीज है, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। यही गलत फहमी इंसान को जिंदगी के अंदर बहुत ऊपर नीचे पटकती है, इसलिए इन गलत फहमियों को बेटा दूर रखना है, और शुरुआत में तुम्हें वाकई में या तो कोई प्रोफेशनल लाइफ चुननी है या फिर कोई नौकरी चुननी है, क्योंकि जब तक तुम 11 साल तक नौकरी नहीं कर लेते या प्रोफेशनल लाइफ में नहीं उतरते उसके बाद आप कोई बिजनेस करोगे तो अच्छा होगा, पहले नहीं होगा, इस बात का खास ध्यान रखना। अब यही बात दूसरी की जिससे तुम्हें नौकरी मिले, अच्छा लाभ प्राप्त हो, सबसे पहले इस बुध को बेटा यहां से निकालो। इस बुध को निकालने का सबसे उत्तम तरीका है कि शराब मांस का प्रयोग कभी ना करें, अगर तुम शराब मांस का प्रयोग करते हो तुम्हारी आंख के भी टेढ़े होने के चांसेस काफी बनते हैं, इसलिए उससे दूर रहो, और प्लस हर रोज थोड़ा सा गंगा जल लेके मुंह में कुल्ला करके दांत अच्छी तरह से साफ करके उसका कुल्ला करो, ये ध्यान रखना। दूसरा, हर बुधवार को खाली मटका लो, उसके ऊपर ढक्कन लगाओ और उसके ऊपर पीला चंदन लगा के उसको जल प्रवाह करना शुरू करो, और कम से कम 27 बुधवार करने हैं। फिर तांबे का एक छेद वाला पैसा लेके उसे सफेद रंग के धागे में पिरो के अपने गले के अंदर धारण करो, और अब जो मैंने काग रेखा कही थी उसका इलाज, यहां शुक्र और शनि को अलग अलग करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए 7 शुक्रवार 1 किलो लाल जवार लेके उसे सफेद रेशमी कपड़े के अंदर बांध के घास वाली जमीन या खेती की जमीन के अंदर जाके दबा के, मात्र ये 2 उपाय और तुम्हारा रास्ता हर तरह से खुल जाएगा। लेकिन एक खास चीज, तुम्हारी कुंडली में एक बहुत ही खास योग है जो कहते हैं कि बे औलाद को भी अगर आशीर्वाद दे तो वो औलाद वाला हो जाए, यानी कि केतु की बहुत प्रबल एनर्जी है तुम्हारे कुंडली के अंदर, तो इसके लिए अगर घर पे कुत्ता या कुतिया पालते हो तो बेटा तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ हालात खड़े होंगे, जो जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने के अंदर तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ हो जाएगी और जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं आओगे, तो इसीलिए कुत्ता या कुतिया अपने घर पे जरूर पालना। खुश रहना। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप गुरुदेव से अपनी परेशानियों का हल चाहते हैं, तो तरीका बेहद आसान है।
फोन उठाइए और अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर आप तुरंत कॉल कीजिए या फिर आप अपनी परेशानियों में मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कर दीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर आपकी बात भी करवाएगी। अभी वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जान लीजिए गुरुदेव जीटी वशिष्ठ जी की मुहिम के बारे में। अगर आप पढ़े लिखे बेरोजगार हैं या फिर आप रिटायर हो चुके हैं या फिर अगर आप हाउसवाइफ हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो एस्ट्रो आर्मी से जुड़िए, जिसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद आप हर महीने लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। एस्ट्रो आर्मी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नीचे दी जा रही वेबसाइट astroarmy.com पर अभी लॉगिन कीजिए और अपना भविष्य बेहतर बनाइए। आज हम बात कर रहे हैं ज्वाइंट फैमिली में होने वाली कलह की और उसे दूर करने के उपायों पर चर्चा भी जारी है। ब्रेक के बाद पहला सवाल हम ले, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। तुला राशि वालों का दिन भी कुछ मिला जुला सा है। आज खर्चों पर अपने नियंत्रण बनाने की कोशिश करें, बेवजह के विवाद परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। वैसे मित्र आपकी कठिन परिस्थितियों में आज सहायता जरूर करेंगे और परिवार का सुख भी अच्छा प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। आज परिवार का सुख तो अच्छा मिलेगा और आपके यहाँ कोई मांगलिक आयोजन भी हो सकता है, परंतु भाई बंधुओं से अनबन हो सकती है, मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं, कामकाज में आशानुरूप सफलता वो दिखाई नहीं पड़ रही और क्रोध पर नियंत्रण बना के रखें। धनुराशि वालों के लिए भी कुछ खास दिन नहीं है। आज धन का दुरुपयोग परेशानी का कारण बन सकता है और स्वास्थ्य में भी किसी न किसी को परिवार में कोई दिक्कत हो सकती है या खामखाई का परिवार वालों के साथ कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। कामकाज में मिला जुला सा असर रहेगा। गुरुदेव, पारिवारिक कलह की आज हम बात कर रहे हैं। अब से पहले हमने सास बहू की बात की, लेकिन जब ननद भाभी कई बार मिलती हैं तो वहां भी बहुत ज्यादा पारिवारिक शांति दूर हो जाती है, क्योंकि आपस में मनमुटाव हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं। इसके उपाय भी बताइए और लक्षणों को कैसे पहचाने वो भी बताइए। ननद भाभी, ननद यानी कि भाई की बहन, तो यानी कि बुध, और भाभी यानी कि भाई की पत्नी यानी कि शुक्र। शुक्र और बुध का मेल औसम माना जाता है। जिस घर में भी ननद भाभी एक हो, उनका प्यार हो, एक दूसरे के साथ वाकई में घुल मिल के रहती हो, कोई भी कार्य करना है तो ननद भाभी सलाह करके करती हो, उस घर में शुभ कार्यों की गारंटी हो जाती है। कहने का मतलब वहां का शनि बहुत अच्छा होता है। शनि अच्छा होना यानी कि पोलाइट वे में सोच के कोई भी प्लान बना के जो एग्जीक्यूशन की जाती है उसमें सफलता प्राप्त होती है, यानी कि बिना लड़ाई झगड़े के। तो यानी कि अब देखो ननद और भाभी का एक रहना कितना जरूरी हो गया हर घर के लिए। पहले तो ये बात हर ननद भाभी को समझ लेनी चाहिए। अब दूसरी बात, कहते शुक्र और बुध जब आपस में मिलते हैं तो मंगल बद उत्पन्न होता है, लेकिन बात यह है कि हर किसी की किस्मत में सारे सुख नहीं होते। किसी का शुक्र बुध बहुत अच्छा है, ननद भाभी बहुत अच्छी है, किसी का शुक्र बुध मिलने से मंगल बद हो गया जो खराबी दे रहा है। तो अब ननद और भाभी की अगर लड़ाई हो तो सबसे जरूरी काम क्या करना है? सबसे जरूरी काम मंगल को ठीक करो, और मंगल को ठीक करने के लिए जो भाई है यानी कि भाभी का पति और बहन का भाई, वो हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाए, यानी कि सिंदूर हनुमान जी वाला लेके चमेली का तेल मिक्स करके वो हनुमान जी के ऊपर लेप करवाए। फिर बाकी के उपाय क्या, मिट्टी के लोटे में देसी खान भर के उसको वीरान जमीन में दबाना। घर में किसी भी प्रकार का तंदूर नहीं जलना चाहिए, भट्टी नहीं जलनी चाहिए, और कच्चे कोयले या लकड़ी का चूल्हा वगैरह ये नहीं जलना चाहिए। तीसरी बात, यहां पर हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के पक्षियों को डालो या कुत्ते कौओं को डालो, बातें की बेटा, और मिठाई का दान जितना हो सके वो करना चाहिए, ठीक है। और जब भी घर में खुशी का माहौल आए तो सबसे पहले नमकीन बांट दो, बाद में मीठा बांटो। जिस घर में भी बेटा लड़ाई झगड़े क्लेश है, बीमारी है, ननद भाभी की नहीं बनती, वो अगर इन उपायों को अपनाएंगे
तो जिंदगी वैसे ही खुशहाली की तरफ जाएगी। और उस घर में जितने लोग हैं सब चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखें, तीन धातु का छल्ला सोना तांबा चांदी एक एक ग्राम मिलाकर अपने रिंग फिंगर के अंदर धारण करके रखें, ठीक है। इतने उपाय करके देखो बेटा, परमात्मा की दया से घर में पूरी तरह से खुशहाली और हर तरह से अच्छे माहौल आपके आएंगे। गुरु जी, पारिवारिक कलह में अगर हम दो बहुओं की बात न करें तो शायद अधूरा रह जाएगा यह एपिसोड, क्योंकि जहां एक घर में दो या उससे ज्यादा बहुएं हैं तो आपस में बहुत ज्यादा कंपटीशन चल जाता है, एक दूसरे को नीचा दिखाना या फिर एक दूसरे की कमी निकालना। इसके लक्षणों को कैसे पहचाने और उपाय जरूर बताइए, बहुत से घर में शांति हो जाएगी। बिल्कुल, एक बड़ा शुक्र एक छोटा शुक्र, यानी कि बड़े भाई की पत्नी तो वो शुक्र, लेकिन यहाँ भाई भाई जुड़ गए, भाई भाई जुड़े तो क्या आया बीच में, मंगल। लेकिन बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ा भाई और छोटे भाई के छोटा भाई होता है मंगल यानी कि जन्म कुंडली का तीसरा घर, और बड़ा भाई होता है बृहस्पति यानी कि जन्म कुंडली का ग्यारहवां घर। तो ऐसे में बृहस्पति और शुक्र इन दोनों का मेल कुछ ज्यादा नजर आ रहा है, मंगल का बीच में है लेकिन बृहस्पति और शुक्र ज्यादा नजर आ रहे हैं। जब भी जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब पोजिशन में होता है तो जेठानी देवरानी के लिए सरदर्दी बनती है, और जब भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल खराब होता है तो देवरानी जेठानी के लिए सरदर्दी बनती है, यानी कि अपना दोष कुछ नहीं, सब करते ग्रह ही है। तो इसीलिए यहां पर इन दोनों के लिए अलग अलग उपाय होंगे। जब देवरानी के लिए यानी कि मंगल जब खराब होगा तो देवरानी की तरफ से क्लेश होगा, कमियां निकालने की एक कवायद शुरू होगी, अच्छा बुरा बोलने की होगी, बीमारी होगी, और प्लस देवरानी को ही धन की कमी होगी और वही लड़ाई करेगी। तो ऐसे हालात हो तो मंगल का उपाय, मंगल का उपाय वही बेटा कि यानी कि जो छोटा भाई है वो हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाए, हर मंगलवार को ही आठ गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौओं को डाले, और मियां बीबी दोनों तीन धातु का छल्ला सोना तांबा चांदी मिलाकर के धारण करें और चांदी धारण करें। इससे देवरानी की तरफ से होने वाले किसी भी तरह की क्लेश की अवस्थाएं वो शांत होगी, और अगर जेठानी की तरफ से मामला खराब हो तो इसका मतलब बृहस्पति खराब हो गया। तो बृहस्पति को ठीक करने का काम तो बहुत ही आसान है बेटा, हर बृहस्पतिवार को पीपल पे जल चढ़ाना जेठानी की तरफ से, ये बहुत जरूरी हो गया तो उसको चढ़ाए। हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाना, बृहस्पति को दूसरे घर में पहुंचाना बहुत जरूरी है, और 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल लेकर के जल प्रवाह कर दो या मंदिर पे दे दो। इतना करते ही उधर से भी इस बुराई का छुटकारा मिलेगा और देवरानी जेठानी एक होकर के अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से चला के लेके। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं मकर, कुंभ और मून राशि वालों का आज का दिन का हाल। मकर राशि वालों के लिए कामकाज में तो अच्छा दिन है, उसमें लाभ के हालात भी नजर आ रहे हैं, परंतु खर्चे अधिक होंगे। पढ़ने लिखने वालों को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में मन नहीं लगेगा और स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए भी कोई खास दिन नहीं है। आज आपको यात्राओं के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए आप घर परिवार से कहीं दूर आपको जाना पड़े। परिश्रम के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होगी और नजले जुकाम से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रख के चले। मीन राशि वालों का भी दिन मिला जुला सा है। आज घर में बड़े लोगों का आदर सत्कार करेंगे, किसी मांगलिक कार्य में भी आप शामिल हो सकते हैं, परंतु मित्रों से अनबन होकर के मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए क्रोध पर अपने नियंत्रण बना करके रखें। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित नारायण विश्वास हमारे साथ जुड़ गए हैं चेन्नई से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। मेरा जो जन्म हुआ है वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है, 11:45 PM। अपनी जन्म की तिथि बताइए, डेट बताइए पहले। 28 February 1970। मेरा नौकरी में बहुत प्रॉब्लम है और अभी मैं फिलहाल जॉबलेस हूँ, 4 महीने से मेरे पास जॉब नहीं है।
हमेशा यही होता है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत काम करता हूँ, फिर उसके बाद में फिर नौकरी चली जाती है 3-4 साल के बाद में। तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर बहुत ही शानदार बुध बैठे हुए हैं, जो वाकई में अपनी अकल को बहुत अव्वल दर्जे की बनाते हैं और जो हर चीज के अंदर गहराई से उतर के उस चीज के बारे में हर चीज का ज्ञान अपने पास आ जाना, ये तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर शनि खराब की दृष्टि बृहस्पति पे होने के कारण ये लाभ को भी खराब करती है, घर के अंदर की सुख शांति को भी खराब करती है, जो तुम्हारा पुत्र होगा उस तरफ भी ये तकलीफें देगी और मेहनत पूरी करवा के भी लाभ नहीं आने देगी और प्लस पति पत्नी के निजी सुखों के लिए भी कोई ना कोई खराबी या फिर पत्नी के स्वास्थ्य के लिए खराबी के योग ये देगी। ये योग होने की वजह से तुम्हारी जॉब की स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आती रहेगा। अब तुम बिजनेस भी नहीं कर पाओगे। कारण क्या कि तीसरे घर का बुध बिन पैंदे के लोटे की तरह लुढ़कता है बार बार, और जब बुध खराब अवस्था के अंदर हो तो ऐसे में इंसान बिजनेस भी नहीं कर पाता। तो अब जब भी तुम्हारा चप्पल या जूता चोरी या गुम होगा तब तब तुम्हें मुसीबत आएगी, जब भी अपने घर पे लोहा या चमड़ा लेकर के आओगे तब तुम्हें मुसीबत आएगी, जब भी घर में टॉयलेट बाथरूम गेट सीढ़ी छत फर्श कुछ भी रिपेयर करवाओगे तब तुम्हारी इनकम के ऊपर अटैक हो जाएगा। तो इसको ठीक करने के लिए शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे में सरसों का तेल भरकर उसमें मुंह देख के ढक्कन रख के सीमेंट से बंद कर देना है और बंद करके उसके साथ में ईंटे बांध देनी है जो नीचे को लटकी रहे और उन्हें जाके खड़े पानी के अंदर शनिवार दोपहर को छोड़ आना, ठीक है। इससे शनिदेव छठे घर के अंदर चले जाएंगे और अपना बुरापन त्यागेंगे। दूसरा, हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि जुबान माथे पर लगाना, इससे बृहस्पति दूसरे घर में आएंगे और साथ ही हर बृहस्पतिवार को पीपल को अगर जल चढ़ाओगे तो ये बृहस्पति बहुत प्रबल रहेंगे, ठीक है। ये तीसरा, घर पे कुत्ता पालते हो तो केतु का कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, तो यहां पर शुक्र और राहु को ठीक करने के लिए तुम्हें उपाय करने ही पड़ेंगे। और वो उपाय क्या है, सबसे पहले 4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुठली में सुरमा भर के घास वाली जमीन के अंदर दबाना और 43 दिन लगातार दूध में मक्खन डाल के उसको मंदिर के अंदर देना। ये उपाय होंगे तो बेटा गृहस्थी के हालात, जीवन साथी के हालात, काम के हालात ये सब अच्छे होंगे। लेकिन अगर तुम्हें बिजनेस करना है, किसी भी तरह के बिजनेस में उतरो, तो तुम्हें बुध के उपाय करने पड़ेंगे और वो उपाय है ढाक के 7 पत्ते लेकर के उनको दूध के साथ धोके वीरान जमीन के अंदर गहरा खड्डा खोद के पत्ते उसमें रखे और कोई भी पत्थर ऊपर रख के उस खड्डे को बंद कर देना और खोदने वाला औजार और जिसमें तुम दूध लेकर के गए हो वहीं छोड़ा, ठीक है। और उसके बाद लगातार 1 साल तक 1 मुट्ठी मूंग साबुत कटोरी में डालनी है, उसमें पानी डालना है और इतनी हल्की सी चुटकी उसके अंदर फिटकरी पिसी हुई के डाल के सराहने रख के सो और सुबह उठ के जाके पक्षियों को डाल, ज्यादा फिटकरी ना रहे पक्षियों को नुकसान हो इसलिए बिल्कुल थोड़ी सी ये 1 साल तक करोगे तब तुम्हारा अपना बिजनेस भी स्टेबल होता है। तो इन उपायों को करो बेटा, परमात्मा की दया से सब सुख आएंगे, इसके बाद तकलीफ नहीं होगी। और जब भी अपने लिए चमड़ा या लोहा खरीद के लाओ साथ में खिलौने जरूर खरीद के लाना, इससे तुम्हारे कामकाज के ऊपर कभी भी बुरा इम्पैक्ट नहीं आएगा। खुश है दिमाग गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आज का सबसे खास गुरु मंत्र हमारे दर्शकों को आप दीजिए। बेटा बात रिश्तों की हो रही है, घर के अंदर के सुख की हो रही है, घर के अंदर की समृद्धि की हो रही है और उसके अंदर का गुरु मंत्र वैसे तो ये पहले भी कई बार दिया हुआ है लेकिन आज आपको फिर याद दिलाता हूं कि हर ग्रह को अगर खुश रखना है तो उपाय मत करो, रिश्तों को मना लो। सूर्य को अच्छा रखने के लिए अपने पिता की आज्ञा का पालन करो, उनके साथ अगर किसी भी तरह के वैचारिक तकरार है जल्दी से जल्दी खत्म करो। प्रॉपर्टी पैसा चाहिए, घर के अंदर की सुख शांति चाहिए, सास को बना के चलो, मां को बना के चलो, चंद्रमा अच्छा होगा। घर के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ चाहिए, बीमारियां ना बचे, कलेश ना बचे, कभी किसी को खून से संबंधित दिखते ना हो, भाइयों को बना करके चले, यारों दोस्तों को पार्टी देते रहे यानी कि बैठा करके मीठा खिलाते रहे, मिठाई की भी तो पार्टी होती है बेटा, ठीक है। और ननद जब भी घर पे आए
उसको खाली हाथ ना जाने दो, कोई ना कोई लाल रंग सा चाहे थोड़ा बहुत टच हो वो कपड़ा दो, मिठाई नहीं तो मिठाई तो जरूर दो जिससे बुध अच्छा रहे। और बृहस्पति हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों की, अपने गुरुजनों की, मंदिर के पंडितों की, बेटा इनकी सेवा जितनी करनी हो वो आप कर सकते हो, नहीं तो उनका आशीर्वाद तो जरूर लेते रहो, बृहस्पति अच्छे होंगे। और घर की बहुओं को जितना खुश रखा जाए, प्यार से उनके साथ चला जाए उतना ही उत्तम है। और उनको खुश रखने का तो एक और बहुत बढ़िया तरीका है बेटा कि महीने में चाहे एक शुक्रवार को कोई खुशबू वाली चीजें ला करके उनको दो और उनको कहो कि ये घर की साफ सफाई में इस्तेमाल भी करें और उनको जलाए भी, शुक्र अच्छा होगा। और अपने पिता के रिश्तेदार यानी कि चाचा ताऊ, इनके साथ जितनी बना के रखोगे शनि और बृहस्पति उतने ही अच्छे होंगे। और ये अच्छे होंगे तो किन्हीं भी उपायों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको एक बात समझा दूं, जो भी अपने रिश्तों को अच्छा रखता है उसके जीवन में वैसे भी कोई दुख आते हैं, और जो इन रिश्तों के साथ बिगाड़ जाता है उसके जीवन में दुख आने ही होते हैं। तो अपने रिश्तों को एक रखो ताकि जिंदगी हमेशा खुशहाली की तरफ। तो अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं और अब तक पारिवारिक कलह से जुड़ी कोई परेशानी आपके परिवार में आ रही थी या फूट पड़ रही थी वो अब नहीं पड़ेगी, बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिएगा और उपाय याद से करते रहिएगा। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाते। तो चलिए इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक और खास विषय के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।